नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। भारतीय राजनीति में एक लंबे समय के बाद ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जब भी कोई छोटी बड़ी घटना घटती है तो उसके बाद किस तरह से राजनीतिक पार्टियां उस पर असंवेदनशील तरीके से राजनीति करती हैं, उस पर कूद पड़ती हैं और कुछ उसे एक फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करती हैं उस मौके को, तो कुछ बयानबाजियां करती हैं। हाल की दो घटनाएं ऐसी रही, चाहे वो भोपाल का मुठभेड़ का मामला हो या फिर हाल ही में एक पूर्व सैनिक की आत्महत्या का मसला रहा हो। इस मसले के जड़ में जाने के बजाय इस पर जिस तरह के राजनीतिक बयान आए हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों से, ऐसा लगता है कि इन राजनीतिक पार्टियों के सामने चुनौती है इनकी राजनीतिक जमीन खत्म होने की, या फिर इनके तमाम वो ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं उनका अभाव हो चुका है। आज हम बात करेंगे अपने इस कार्यक्रम में कि आखिर ये किस तरह की सियासत है, किस ओर ये सियासत जा रही है, क्या ये वोट बैंक की सियासत है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तीन मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं प्रदीप सिंह जी, हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदीप जी स्वागत है आपका। अवनिजेश अवस्थी जी हैं, प्रोफेसर हैं ये, आपका स्वागत है अवनिजेश जी। और कैप्टन मनोज तयाल साहब हमारे साथ हैं, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, ये जो राजनीति का रुख जो एक नया रूप सामने दिखाई दे रहा है, क्या ये आपको लग रहा है इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने अब मुद्दों का अभाव दिखाई देता है, जिस तरह के बयान आने शुरू हुए हैं? एक बड़ा सवाल ये भी है कि राष्ट्र से जुड़े मुद्दे और देश के सामने जो संकट है, क्या ये राजनीति उन संकटों को और गहरा बना रही है? देखो जी, ऐसा है कि राजनीतिक दलों के सामने मुद्दों का संकट तो नहीं है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो लंबे संघर्ष की मांग करते हैं और उस संघर्ष का मादा नहीं है, तो इसलिए छोटे छोटे मामले उठाकर उनको बहुत बड़ा बना दो ये कोशिश होती है। ये ताज़ा जो मामला है पूर्व सैनिक की आत्महत्या का, वो उसी का एक प्रदर्शन है कि किस तरह से राजनीतिक दल इस अवसर की ताक में रहते हैं कि कोई छोटा सा मुद्दा मिले जिसको बड़ा कर दी। यही अगर पूर्व सैनिक ने अपने गांव में आत्महत्या की होती तो शायद इतनी बड़ी खबर न बनता। यहाँ आसान था, टीवी कैमरे हैं, पूरा मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया है, तुरंत आप जाइए। भाई, आप दो घंटे इंतज़ार भी कर सकते थे कि जब उस पूर्व सैनिक की डेड बॉडी उनके परिजनों को हैंडओवर कर दी जाती, उसके बाद आप जाके मिल सकते थे। अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत थी? ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि अगर आप अस्पताल नहीं जाते तो कुछ छूट जाता? तो एक एक कैमरा अपॉर्चुनिटी जो है वो कि किसी तरह से हम कैमरे में आ जाएं कि हम इस समय पर मौजूद थे। आम आदमी पार्टी एक अलग तरह की राजनीति कर रही है। वो भाई, सवाल ये है कि या तो दिल्ली सरकार ये नियम बना दे कि कोई भी सैनिक अगर शहीद होगा, मारा जाएगा, तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हैं आप चुने हुए, आप किसी देश के राजा नहीं हैं कि अपने डिस्क्रिशन से, अपनी मर्जी से किसी को कुछ भी दे दें। नीति के तहत, सरकार एक नीति और नियम के हिसाब से चलती है। आप नियम बना दीजिए कि हर पूर्व सैनिक के परिवार को या शहीद सैनिक के परिवार को जो है इतना पैसा दिल्ली सरकार देगी, किसी को एतराज नहीं है, लेकिन उसके पब्लिक के पैसे से अपनी राजनीति चमकाने की जो कोशिश है उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए कि जिस तरह से आप कर रहे हैं उससे हासिल क्या हो रहा है, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पूरे मुद्दे की जानकारी नहीं है, तथ्यों की जानकारी नहीं है। ये कम से कम OROP का मामला नहीं है, बैंक का कुछ प्रोसीजरल मामला है। पूर्व सैनिक को पेंशन मिल रही थी, OROP के बाद उसकी पेंशन बढ़नी थी, 28,000 मिलना था, शायद उनके अकाउंट में 23,000 गया। तो ये एक प्रोसीजरल लैप्स है जिसको ठीक किया जा सकता था, वो आवेदन देते। दूसरा, OROP का मामला अगर होता तो जो लोग धरने पर लंबे समय से बैठे हुए हैं उनके पास जाते, बिल्कुल, या सरकार के पास कोई प्रतिवेदन देते, राज्य सरकार के पास जाते। देखिए, अब मान लीजिए कि ये सब विपक्ष के आरोप जो है सब सही है, उससे एक सवाल और उठता है कि उस पूर्व सैनिक को अगर कोई शिकायत थी, उसके साथ कुछ गलत हो रहा था, तो उसको विपक्ष पर भी भरोसा नहीं था, अगर मान लें कि सरकार पर नहीं, बिल्कुल, तो विपक्ष के किसी नेता के पास वो गया क्या? किसी नेता ने मदद करने की कोशिश किया, जानने की कोशिश की क्या? तो ये एक राजनीति के प्रति अविश्वास का भी प्रतीक है और
इस तरह के मुद्दों को, छोटे मुद्दे को बहुत बड़ा बनाकर और उसको अपनी राजनीतिक पहचान को जिंदा रखना भी एक इससे साफ दिखाई देता है। अब निवेश जी, ओआरओपी का मसला हो एक लंबा मसला है, कोई आज का मसला नहीं है, और उस पर पिछली सरकारों ने नहीं कुछ करा, इस सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया जी, और चरणबद्ध तरीके से इसका एक निवारण की नीति तैयार की गई है। क्या आपको लगता है राजनीतिक पार्टियों के सामने मुद्दों का तो अभाव है ही, किसान से जुड़ा मुद्दा और हम नहीं भूल सकते, आपके ही एक उसमें एक रैली में एक किसान ने जिस तरह से आत्महत्या की थी, तो किसान, आम आदमी से जुड़ा, सैनिकों से जुड़े तमाम वो मुद्दों पर इस सरकार ने जिस तरह से काम किया, इन राजनीतिक पार्टियों के सामने अब कोई और विकल्प नहीं बचा? ऋतु जी, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। आप देखेंगे कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप कल्पना कीजिए या सोचिए, थोड़ा सा अतीत में जाइए कि 2 साल पहले विपक्ष के पास क्या मुद्दे थे। लाखों रुपए के घोटाले, कोलगेट, रेलगेट, खेलगेट, Z2, आदर्श, मतलब रोज एक नया घोटाला आता था जिसमें कोई सरकार की तिजोरी नहीं, मैं जो टैक्स पेयर हूं, मेरा पैसा वो किसी की तिजोरी में, किसी की व्यक्तिगत रूप में जा रहा था। रोज एक ऐसा मुद्दा मिलता था। अब वो मुद्दे नहीं है। पिछले 2 साल से विपक्ष चाह करके भी, ढूंढ करके भी एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं ला पाया। अब उसको क्या चाहिए? तो विपक्ष में, लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, बजाय इसके कि सरकार की उन नीतियों की आलोचना करे जो उसको गलत लगती हैं, जो जनता के विपक्ष में है, वो उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कि प्रदीप सिंह जी ने कहा, उसको अपना उदाहरण पेश करना पड़ेगा। आज अगर कोई व्यक्ति जो पिछली सरकार में मंत्री था, वो अगर भ्रष्टाचार की बात करता है तो लोग हंसते हैं कि कमाल कर रहे हैं आप तो। आज 43 साल से जिन्होंने OROP पर कोई फैसला नहीं किया, 10,500 करोड़ का मसला था, 500 करोड़ रुपए बजट में एलोकेट करके OROP से अपने आप पल्ला छुड़ा लिया। आज वो OROP पर अगर कोई चिट्ठी लिखते हैं तो जनता क्या या पूर्व सैनिक क्या करते हैं? हंसते हैं, कहते हैं कि ये तो हमारा मजाक उड़ाना हुआ। वहां जाकर के हंसना, वहां थाने से निकलते हुए ऐसे निकलना जैसे विजयी मुद्रा में निकलना, ये सब चीजें राजनीति, ये किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दृष्टि से बहुत खतरनाक तौर पर पहुंचे। बिल्कुल, ये उन तमाम संकटों को भी और बड़ा दिखाता है। एक दूसरी बात और कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका भी नहीं रही है, जिससे भी लोगों का एक मन उचाट हुआ है। विपक्ष है ही नहीं ना कहीं। विपक्ष के पास अपनी राजनीतिक जमीन तो होगी तब तो विपक्षी दल की भूमिका निभा पाएगा। उनके पास कोई जमीन नहीं है। उनके पास कहीं कोई जमीन नहीं है। मैंने कहा ना आपको कि सरकार संसद नहीं चलने दी 2 सत्र। अगर आपको किसी भी मुद्दे पर सरकार की नीतियों की आलोचना करनी है, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद उसका श्रेष्ठतम प्लेटफॉर्म हो सकता है। आप वहां पर, और संसद में तो अब डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है, जनता आपको सुनती है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप चाहते तो संसद में रह करके, संसद के भीतर, संसद में खड़े होकर के आप सरकार की नीतियों की आंकड़ेबद्ध आलोचना कर सकते थे और उसका आपको जवाब भी मिलता। लेकिन यहाँ तो पार्टी ऐसी आ गई है जो चौराहे पर खड़े होकर आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, जेल में बंद करना चाहिए, और जब खुद उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो कहते हैं कि आप प्रमाण दिखाओ। लेकिन प्रदीप जी, ये बड़ा सवाल इस तरह से भी पैदा करता है कि तमाम उन व्यवस्था संस्थानों पर भी सवाल राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। हाल का जो भोपाल का मुठभेड़ का जो मसला है, उस पर जिस तरह के बयान आए, वो भी तो साफ दिखाता है कि आप कैसे उन चीजों पर सवाल उठा सकते हैं जो देश की सुरक्षा में है, जो देश की व्यवस्था के एक अभिन्न अंग है, उन पर आप सवाल उठा रहे हैं एक अलग चश्मे से, एक मजहबी चश्मे से। अब आप देखना आपने शुरू कर दिया है। देखिए, हर चीज को आप वोट बैंक पॉलिटिक्स के नजरिए से नहीं देख सकते। आप सवाल सरकार के कदमों पर उठा सकते हैं विपक्ष के नाते, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन देश की सुरक्षा के मामले में या सवाल उठाते हुए, कम से कम ऐसा तो न लगे कि आप आतंकवादियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये कम से कम राजनीतिक दलों को, नेताओं को सोचना चाहिए कि वो जो बयान दे रहे हैं, वो जो स्टैंड ले रहे हैं, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, उसका अर्थ जनता में क्या जा रहा है, आम लोग उससे क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। आप क्यों हर बार ऐसी घटनाओं पर आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति जताते हुए नजर आते हैं? अगर गलत हुआ, मुठभेड़ फर्जी थी, गलत थी, जाँच होगी, उसमें मामला सामने आ जाए, थोड़ा सा तो इंतजार कीजिए कि उसमें जो तथ्य हैं वो बाहर आए। आपको कोई तथ्य मालूम नहीं है। आपने कुछ छोटी मोटी चीजों को उठाकर, मुद्दों को उठाकर एक वितंडा खड़ा कर दिया। मान लीजिए कि कल ये साबित होता है कि मुठभेड़ असली थी, उसमें कोई गलत नहीं हुआ था, फिर आपका क्या स्टैंड होगा?
आप क्या लोगों से माफी मांगेंगे कि हमने ये जो कहा था गलत कहा था, जल्दबाजी में कह बाटला हाउस एनकाउंटर पे आज तक माफी नहीं मांगी, उस पर भी आती हूँ। तयाल साहब आपसे, कैप्टन मनोज तयाल हमारे साथ हैं। तयाल साहब, जब व्यवस्थाएं, जब इस तरह की संस्थाएं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, आर्मी हो, सेना हो, ये जब अपनी कार्रवाई करती है और इस तरह के सवाल जब राजनीतिक पार्टियां उठाने लगती हैं, तो क्या इनकी कार्रवाई में किस तरह की अड़चन आती है, उनके मनोबल पे किस तरह का असर पड़ता है? सबसे पहले ये बहुत अफसोस वाली बात है कि इस तरह की बात एक घटना के बाद हमेशा उठती है। जैसे आपने कहा, ये अलग चश्मे से देखने वाली बात है। क्यों ना हम सवाल, ये राजनीति से उठ के बड़ा है, ये राजनीति से बहुत बड़ा सवाल है, ये देश का सवाल है, देश की साख का सवाल है, आप उस पर हमेशा क्वेश्चन करते हो। अब आप जो सिपाही आगे, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, पैरामिलिट्री, इट डजेंट मैटर, सब एक हैं। जब वो उठ के अपना वो भी तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको कोई एक्स्ट्रा वो तो नहीं है। अब आप वो उठ के जा रहे हैं, आपने आतंकवादी पे सवाल उठा दिया, उनकी कौन थे, सीमी थी नहीं थी, उनके ऊपर तो आप लोग क्वेश्चन करते हैं। किसी ने रमाशंकर यादव, जो वहाँ पे पुलिसकर्मी उस भोपाल जेल में, जिसके गले को आप इन्होंने काटा, वो क्या किसी ने उसके परिवार के पास जाकर उसके बात की, उसको कहा? नहीं। ये सिर्फ जैसा राजनीति, किसी की राजनीति है रिलीजन की, उससे बियॉन्ड जाना चाहिए हमें देश में। और जो पुलिसकर्मी या जो वर्दी वाले जो सब सिपाही अपनी जान पर खेलकर किसी टेररिस्ट के पीछे भाग रहे हैं, कोई जेल तोड़ के भाग रहा है या कोई आतंकवादी भाग रहे हैं, आप बार बार उनको सवाल उठाओगे तो शायद कभी ना कभी एक सैनिक अपने आप मन में सोचने लगे कि क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ। वो सही भी करेगा तब भी, उसे पता है कि मेरे को हमेशा मेरे काम पे कोई ना कोई सवाल उठाएगा, और वो भी गलत आदमी, गलत तरीके से। कभी भी सही किसी ने, जो ऑपरेशंस में सैनिक या पुलिस वाले जाते शहीद होते हैं, उनके घर कौन कौन गया है? मुझे आप ये बताइए, रमाशंकर यादव जी के यहाँ कौन कौन गए हैं? अफसोस होता है ये देखकर कि ये सब हर बार इंसिडेंट के बाद आप टेररिस्ट के साथ तो आप खड़े हो जाते हो, या जो पुलिस कह रही है, कोर्ट कह रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, पर पुलिस वालों के साथ कोई नहीं खड़ा है। अब निवेश जी, राजनीतिक पार्टियों का खोखलापन साफ दिखाई देता है इससे। मुझे मैं रितु जी, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, मैं तयाल साहब की बात से सहमत हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते शिवराज सिंह चौहान यादव के घर गए, यादव जी के घर गए, और उनके लिए जो भी वो वहाँ पर घोषणा कर सकते थे की, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उसके अलावा समूचे विपक्षी दलों का जो पूरा बयान था, वो ऐसे लग रहा था कि सिमी वाले तो शहीद हैं और अपराधी कौन है? अपराधी यादव जी हैं। वो लोग जेल तोड़ के भागे थे, पहली बार नहीं भागे थे, ऐसा लग रहा था कि किसी ने कहा कि वो तो सरेंडर करना चाहते थे। तो क्या वो पुलिस वालों का टेस्ट ले रहे थे बाहर निकल कर भाग करके कि आप मुझे हमें पकड़ सकते हैं कि नहीं? कोई कह रहा था कि उनको पैंट और बेल्ट और जूते कहां से मिल गए? तो क्या पुलिस वालों ने उनको बेल्ट, जूते, और अगर फेक एनकाउंटर था तो पहले पुलिस वालों ने उनको हाथ जोड़ के कहा कि नहीं बेल्ट पहन लीजिए, जूते पहन लीजिए, पैंट पहन लीजिए, फिर हम आपको मारेंगे? मतलब ये कमाल की राजनीति है इस देश में, और मुझे लगता है कि इस देश की जनता को इस समय सही जवाब में आना चाहिए कि देश में इस तरीके की राजनीति नहीं चलेगी। देश में लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि विपक्षी दल अपनी सही भूमिका भी निभाएं, वे गलत मुद्दों को ना उठाएं ताकि राजनीति गलत दिशा में न जा पाए। बिल्कुल अवनीश जी, लोकतंत्र के जो तमाम मजबूत संस्थान हैं, उन पर जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है, उसको लेकर लोग भी देख रहे हैं। हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पिछले कुछ समय से कुछ घटनाएं जो घटी हैं, उन्हें एक अलग चश्मे से देखा जा रहा है। कुछ दंगों को हम भूल जाते हैं और कुछ नरसंहारों को हम हमेशा याद रखते हैं, कुछ कुछ घटनाओं को हम बिल्कुल भूल जाते हैं, उनमें मीडिया कवर नहीं करता, और कुछ घटनाओं को मीडिया भी बहुत ज्यादा तूल देता है और राजनीतिक पार्टियां भी देती हैं। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रकाश सूर्य जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल, प्रकाश सूर्य GI पाइप्स चले सालों साल। अब ना होगा KYC का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। बचपन से ही मुझे पता था, आई वॉज अ बॉर्न लीडर, और इस बात का एहसास दिलाया मेरी पहली जॉब ने, वो सब सिखाया जो कोई और नौकरी नहीं सिखा सकती।
मैन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सब कुछ। पहले ही दिन से मैं टीम को लीड कर रहा था और जितने साल मैंने बिताए उससे कई ज्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे। और सबसे अच्छी बात, माय फर्स्ट जॉब मेड माय सेकंड करियर पॉसिबल। हम हैं भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर, भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। से सुरक्षित है? नया फ्लैट खरीदते वक्त किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लें। क्या यहाँ सॉइल टेस्टिंग किया गया है? क्या घर नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक बना है? याद रहे, घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर NDMA। कुछ ऐसा ही लगता होगा जब किसी की कार सरियों से लदे ट्रक से टकराती होगी। ना तो संभलने का मौका होता है और ना ही बचने का कोई रास्ता। ऐसे ही खौफनाक हादसों को देखते हुए सरकार ने सरिया लादकर चलने वाले ट्रकों के लिए कानून सख्त कर दिया है। अब सरिये का ट्रक से थोड़ा भी बाहर रहना गैर कानूनी है। इस नियम को तोड़ना आपको भारी पड़ सकता है। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से सियासत में जो तमाम घटनाएं हैं उन पर ना बात करके उनको एक नया रंग देके राजनीतिक पार्टियां लोगों के बीच में दो भाग करना चाहती हैं, एक नया डर, एक नया भय पैदा करना चाहती हैं अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं के लिए। प्रदीप जी, पिछले के अगर कुछ हम उदाहरण देखें, अभी हाल ही में 21 माओइस्टों का एनकाउंटर हुआ था, क्या उस एनकाउंटर के बाद किसी ने जानना चाहा वो किस जाति से, किस धर्म से, वो कहां से बिलोंग करते हैं? लेकिन हैदराबाद की अगर हम घटना देखें, एक छात्र की मौत होती है, उस छात्र की मौत के कारणों पे बात की जा सकती थी, लेकिन उसकी जाति को लेकर जिस तरह से पूरे विवाद को तूल दिया गया, क्या आपको लगता है चाहे वो दलितों की राजनीति हो, पिछड़ों की राजनीति हो, इसको भी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने फौरी नफे नुकसान के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं? देखिए, अस्मिता की राजनीति देश में है और आगे भी रहेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और उसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन जैसे आप रोहित विमला का आपने उदाहरण दिया, देखिए जब ऐसे मामलों को आप जाति या धर्म के चश्मे से देखते हैं तो पहली कैजुअलिटी जो होती है कि उसके पीछे के जो कारण है और जो सुधार होने चाहिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं, उनकी चर्चा ही नहीं होती है। रोहित वेमुला या उस विश्वविद्यालय में उससे पहले कितने छात्रों ने आत्महत्या की, उसके कारण क्या थे, क्या ऐसे कदम उठाए जाएं कि फिर इस तरह की घटना ना हो, इन पर कोई चर्चा नहीं होती। वो दलित है कि नहीं, दलित था इसलिए आत्महत्या कर ली, कोई इस आधार पर आत्महत्या या इस तरह का कदम उठाने का फैसला करता है क्या? तो आप अगर हर चीज़ को एक अलग चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे तो दरअसल जिसने आत्महत्या की है या जिसने कुर्बानी दी है या कुछ और किया, उसका जो पर्पस है उसी को डिफीट करते हैं। प्रदीप जी, क्या आपको लगता है कि जनता इस तरह से भी इन तमाम मसलों पे सोच पाती है कि जनता ने देखा है बाबू जगजीवन राम की मृत्यु के बाद, जब उनकी अंत्येष्टि के लिए यहाँ जगह नहीं थी और किस तरह से उनको बिहार भेजा गया था, और क्या किस तरह का दर्जा भी दिया उस समय के एक बड़े दलित नेता वो थे, क्या इन सब चीजों को भूल पाई है? क्या जनता आज की तारीख में उन तमाम चीजों को भी एनालाइज कर रही है? देखिए, पॉलिटिशियंस को, राजनीतिक दलों को एक बात जरूर समझनी चाहिए कि जनता ना समझ नहीं है, वो कई बार राजनीतिक दलों और नेताओं से ज्यादा समझदारी दिखाती है, ज्यादा परिपक्वता दिखाती है। तो ये जो फोटो ऑप के लिए जाते हैं, इनको ये समझना चाहिए कि लोग इस बात में फर्क करना जानते हैं कि कौन दिल से और सचमुच जो है दुखी होकर या कोई मुद्दा उठाने के लिए आगे आया है, कौन अपने राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ मुद्दे को उठा रहा है। तो ये फर्क जनता करना जानती है, इसलिए इस नाटक का देखिए इसका कोई राजनीतिक फायदा अंत में जाके होता नहीं है, लेकिन
हर नेता को लगता है। समस्या ये है कि अभी जो मुख्य विपक्षी दल है उसकी विपक्ष में रहने की आदत नहीं है, लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, सत्ता की राजनीति करनी की है, तो विपक्ष की राजनीति करने की आदत नहीं है। वहाँ बड़ा पसीना बहाना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो करने के लिए तैयार नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया ने एक उनको अवसर दिया है कि ऐसे मुद्दों पर आप अगर सामने आ जाएं तो दो दिन तीन दिन का एक फौरी जो है आपको पब्लिसिटी मिलती है, आप चर्चा आप में रहते माहौल हैं, बना सकते हैं, माहौल आप जिंदा दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए कि उसके बाद क्या हुआ, आज से एक हफ्ते बाद क्या होगा, कोई स्थिति बदलेगी क्या? क्या आज के बाद जो अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी ये पता करने जाएंगे कि कौन से सैनिक ऐसे हैं जिनको ओआरओपी के बाद पेंशन नहीं मिली है, पैसा नहीं मिला है, उसका कोई अभियान चलाने जाएंगे, उनको दिलाने के लिए आगे आएंगे? ये सब कुछ नहीं होगा, फिर एक नए मुद्दे की तलाश में, एक नए हंगामे की तलाश। लेकिन अवनिवेश जी, ये चिंता का विषय दिखता है जब आप देश की उन संस्थाओं पे, चाहे वो जुडिशरी हो, आईन हो, अदलिया हो, सब पर आप अगर सवाल खड़ा करेंगे। हाल के दिनों में देखा गया कि एनआईए ने जब मालेगांव के अपराधियों को, संदिग्धों को जब छोड़ा तब सवाल नहीं था, एनआईए ने जब प्रज्ञा ठाकुर को छोड़ा तब सवाल हो गया। तो जो आपके आपको जो अच्छा लगे तब अदलिया भी अच्छी, तब आईन भी अच्छी, तब व्यवस्था भी अच्छी, और जब ना लगे तो उस पर हम सवाल खड़ा करेंगे एक लंबी प्रक्रिया के बाद। अगर एक अपराधी को फांसी दी जाती है आतंकी को, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि सबसे दर्दनाक या सबसे शर्मनाक घटना सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुई। सर्जिकल तैल साहब बैठे हैं, ये बताएंगे कि हमने कहां पर कैसे घुस करके मारा, इसका सबूत मांगता कोई आदमी इस देश का? मतलब शर्म आनी चाहिए, जाकर के उस सैनिक से पूछो जो गया था वहां पर, हिम्मत है तो राजनीतिक दल से नहीं, जिसने सीने पे जो गोली खाता है, जो -40 डिग्री और +50 डिग्री पे सीमा पे खड़ा होता जाके, हिम्मत है तो उसके साथ जाकर के खड़े हो और पूछो कि तुम क्या करते हो यहाँ पर? नहीं, और ये देश के गौरव, वहां सबूत मांगते ना जाकर के, पूरी 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 आर्मी के मनोबल को कम करने के लिए ये दुश्मनों का साथ दे रहे हैं बेसिकली। और देशों के नागरिक किस तरह से अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसके साथ जुड़ते हैं? तयाल साहब, ये ऐसा है, दूसरे देशों में आप 9/11 के बाद किस तरह से मीडिया या पूरा उनकी अमेरिकन पॉलिटिक्स किस तरह से उनके साथी, किसी ने ये क्वेश्चन नहीं करा कि हवाई जहाज किस तरफ से आया, कैसे आया। हमारे यहाँ क्या है, पहले हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे राजनेता या जो भी आप कहें कि भाई पहले सबूत इकट्ठे करो। तो अब सुरक्षा बल ये करेंगे कि पहले एनकाउंटर से पहले या किसी भी इंसिडेंट से पहले सारे सबूत इकट्ठे करेंगे, वीडियो क्लिप बनाएंगे, इनको भेजेंगे, ये अप्रूव करेंगे, तब हम शायद ऑपरेशन करें, शायद इस तरह से हम इसको हो रहा है। दुनिया भर में कोई भी अपनी कोई भी कंट्री के, आप किसी भी देश के देख लो, कोई भी नेता अपने सेना पे, पुलिस पे सवाल नहीं खड़े करते। जर्मनी में 24 घंटे के अंदर कानून बन गए थे। आप फ्रांस में देखिए, जर्मनी में देखिए, किसी ने कहा कि ये किस तरह से ऑपरेशन हुआ, क्यों ये यहाँ पे कितने बजे आए, इनके कपड़े कहाँ पर थे, ये कौन जूते पहने, क्या इन्होंने वीडियो क्लिप बनाया नहीं बनाया, क्या आप सेना पाकिस्तान गई या नहीं गई, आप बताइए। पूरे विश्व में सारी दुनिया एक तरफ है और हमारे राजनेता एक अलग बात कहते हैं, आप कहते हैं कि भैया आप हमें प्रूफ दीजिएगा। तयाल साहब, इस तरह की राजनीति तो उन तमाम ताकतों को मजबूत कर रही है जो देश में एक विभाजन की राजनीति के तहत काम भी कर रहे हैं, लोगों में डर भी पैदा करना चाहते हैं। यकीनन, आपको लगता है कि इससे कि पुलिस, अगर पुलिस और आर्मी के ऊपर क्वेश्चन करोगे तो आप किसको सपोर्ट करोगे? आपने कहा कि ये डेफिनेटली हमारे दुश्मन को या जो हमारी विरोधी ताकतें हैं उनको मजबूती मिलती है। जो बात उन्हें कहनी चाहिए वो वहां पर ना कहते हुए हम कह रहे हैं, हमारे ही देश के लोग, हमारे ही राजनेता, हम ये सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान में तो अरविंद केजरीवाल हीरो हैं, अब बताइए पाकिस्तान के हीरो जो हैं, अगर आज वो इलेक्शन दिल्ली की जगह पाकिस्तान से लड़े तो शायद ज्यादा वोटों से जीतेंगे वो। और इलेक्शन की सबसे बड़ी चिंता इन राजनीतिक पार्टियों की आज की तारीख में दिखाई दे रही है, दो बड़े चुनाव हैं जहां जिसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की वोट बैंक की पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सारे चुनाव एकदम ताक पर हैं दोनों पार्टियों के। चुनाव अभी 1-1.5 साल दूर होते तो शायद ये मुद्दे इतने बड़े न बनते, लेकिन चुनाव नजदीक है इसलिए ये मुद्दे इस तरह से बन रहे। देखिए, एक देश में 1947 के बाद राजनीतिक दलों में एक आम सहमति थी कि सुरक्षा का मामला हो, सेना का मामला हो और विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक मामला हो, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। एक परंपरा थी जिसका सब पालन करते थे। ये कारगिल के समय टूटी जब कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू किए कि क्यों हुआ, किसका लैप्स है, इंटेलिजेंस फेल्योर है कि ऐसा है, ये करना चाहिए था कि ये नहीं करना चाहिए था।
वहां से ये शुरू हुआ है जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स शुरू हुई है कि हर मुद्दे पे इसकी चिंता मत करो, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है पहुंचने दो, हमारी राजनीति को अगर इससे फायदा मिलता है तो हमको उठाना चाहिए। अग्निवेश जी, देश के लिए बड़ी चिंता स्लीपिंग सेल्स की है, तमाम ऐसे आतंकी मॉड्यूल्स की है, फिदाइन हमले एक बहुत बड़े संकट किसी भी देश के लिए, भारत के लिए भी है। ऐसे में जब इस तरह की राजनीति होती है तो उन्हें तो ताकत मिलती है, हमारा सिस्टम किस तरह से आपको लगता है कि उसको अब तैयार और होने की जरूरत है या कैसे कमजोर आपको दिखाई देता है? देखिए रितु जी, मैं एक बात मानता हूँ कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मेरी आज भी आस्था है और अभी और आस्था बढ़ी है। प्रदीप जी ने सही कहा कि जनता बहुत समझदार है, इतने सालों के उसने जो घोटाले देखे थे उसने परिवर्तन ला के दिखा दिया और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ला के। आप क्या समझती हैं कि जो किसी के सोसाइटी के पर जाकर के अस्पताल से हंसते हुए निकल करके फोटो खिंचवा रहा है, जनता क्या उसको समझती नहीं है क्या? जनता आज शायद सवाल उससे डायरेक्ट नहीं पूछ रही, लेकिन जनता के पास जो अधिकार है मत का, वो उस अपने मत का अधिकार इस तरीके से उपयोग करती है कि पूरी तरीके से असंगत, अप्रासंगिक, इररिलेवेंट बना देती है भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्ति को। विवेक जी, जनता बाटला हाउस भी नहीं भूली है, जिस पर उसी सरकार का एक मंत्री, गृह मंत्री का कहना है कि बाटला हाउस एनकाउंटर सही है, एक मंत्री का जाके रैली में उसमें ये बताना कि किस तरह से सोनिया गांधी, मैं उनके बारे में इसलिए नहीं बात करना चाहता कि उसमें एक व्यक्ति तो ऐसा है कि उस पर मतलब देश की बजाय उनके बाकी चीजों पे ज्यादा सोशल मीडिया में उनकी बात होती है और कांग्रेस हर दूसरे दिन कहती है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो हमारे महासचिव है लेकिन उनकी मत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक संजय निरुपम जी हैं जो कहते हैं कि एनकाउंटर फेक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उस दिन के बाद से मुझे नजर नहीं आए, वो कहीं नजर नहीं आ रहे, वो कहां छुपे हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो सामने तो आए जरा संजय निरुपम और जाके लोगों को जनता के बीच ही जाना है। तो ये बयान जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे हैं कि तात्कालिक बयान तो हो सकता है, फौरी तौर पर आपको फायदा हो सकता है, इसमें कुछ शायद हमें व्यवस्था में भी इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। दूसरी तरफ से कि अगर हम इस तरह की बात करें तो शायद इस पे एक कानून भी बनना चाहिए कि अगर आप पहले जुडिशियल प्रोसेस इंक्वायरी कुछ हो, जज कोई फैसला दे, उससे पहले हम खड़े होकर बोल देते हैं कि ये गलत हुआ है, हमें सबूत ये ठीक नहीं लगे हैं, तो हम वकील बन जाते हैं, हम पक्ष भी बन जाते हैं और हम ही फैसला कर देते हैं कि ये गलत हुआ है। अफजल गुरु को फांसी इस देश की न्यायपालिका ने दी, रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला, जो किसी विश्व के किसी भी इतिहास में कभी नहीं होगा। उसके बावजूद अगर कोई कहे कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल हम जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट की इससे बड़ी, इस देश की न्याय व्यवस्था की इससे बड़ी अवमानना हो नहीं सकती है। एनआईए ने जिस समय मालेगांव पर जो अपना फैसला दिया था, उससे पहले ही गृह मंत्री चिदंबरम साहब ने 2 दिन पहले ये कह दिया था कि उनको जमानत मिल जाएगी। तो ये सारी जो चीजें हैं, क्या तब तो इन पे सवाल नहीं उठ रहा था? आज एनआईए पे आप सवाल उठा देते, आज आप जुडिशरी पे सवाल उठा देते हैं, तो जो आपको सूट करे तब तो वो ठीक है चीजें, या फिर अगर आप कहते संविधान को मानेंगे तो आप ट्रिपल तलाक पे भी संविधान को उसी तरह से मानिए। नहीं देखिए, जब आप जो सरकारी मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी है या प्रोसिक्यूशन है, उसको अपने पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, समस्या तब होती है। कोई घटना हो, आप जांच की मांग करें, विरोध प्रदर्शन करें, वो समझ में आती है बात, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन पहले से ही सुरक्षा बलों का मामला हो, सेना का मामला हो, पुलिस का मामला हो, उनकी नीयत पर पहले ही सवाल उठा देना, ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। ये वो पार्टी कर सकती है जो मांग कर बैठी हो कि हमको कभी सत्ता में नहीं आना, कल आप सत्ता में होंगे तब भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, फिर आप क्या क्या बोलेंगे? जब दूसरा विपक्ष होगा, दूसरा विपक्षी दल होगा, वो इस तरह के सवाल उठाएगा, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? लेकिन आपकी इस फौरी राजनीति, ये जो कर रही हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां, ये देश को एक बड़े संकट में डाल सकती हैं, देश की पूरी व्यवस्था को कहीं ना कहीं कमजोर कर सकती हैं, ये सोचने की जरूरत है। और जैसा कि मेरे मेहमानों ने भी कहा कि जनता को राजनीतिक पार्टियां ये ना समझें कि वो समझदार नहीं है, वो बेवकूफ हैं, वो सब कुछ देख रही हैं, उनको इतिहास भी याद है तमाम मसलों पर, चाहे वो किसानों का मसला हो, सैनिकों का मसला हो, पूर्व की सरकारों ने क्या किया, और वो आज भी देख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी मैं अपने तीनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आमने सामने में आज बस इतना ही, डी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।